नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इसको और इसके बारे में नानी पालकी वाला जी ने कहा था जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे उन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था अब इसको जो है एक बार अमेंड किया जा चुका है और फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अब हम देखते हैं प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और दूसरा uh, जो है इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो लेट डाउन किए गए हैं इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इसमें जो वर्ड्स मैंने डार्क किए हुए हैं और जो हाइलाइटेड हैं ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं तो मैं इसको एक बार रीड करता हूँ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स इट्सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लिबर्टी ऑफ थाट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्सिप इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग दम ऑल फेटर्निटी अफ्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली दिस ट्वेंटी डे ऑफ नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन डू हेयर बाई अडॉप्ट एंड गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके अंदर क्वेश्चन एक फुल टलस्ड क्वेश्चन मेन्स में बन सकता है और ये आ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स जो हैं वो इसी से ही डेराइव किए जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसमें पीटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें जस्टिस हमारे पीएम्बल में कितने तरीके का दिया गया है तो इसमें जस्टिस थ्री टाइप्स का दिया गया है लिबर्टी कितने तरीके के हैं लिबर्टी फाइव टाइप्स के हैं इक्वालिटी टू टाइप्स का है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं इवन इंटरव्यू में कई बार हम देखते हैं कि इसको पूरा जो है रिपीट करने को कहते हैं जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं तो हमें इसको जो है अच्छे से डील करना है तो आइए हम देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये क्या क्या बताता है हमें तो सबसे पहले वी द पीपल ऑफ़ इंडिया क्या बताता है वी द पीपल ऑफ़ इंडिया एक तरीके से सोर्स बताता है कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वी द पीपल ऑफ़ इंडिया है और दूसरा जो ये है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस इससे हमें क्या पता लगता है ये एक तरीके से नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है हमारा जो है इंडिया किस तरीके का आ, नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमें जो है इसको बताना है कि इसका सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर है नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल तो इसका ऑब्जेक्टिव है जस्टिस लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फेटर्निटी ये इसके ऑब्जेक्टिव है अब इसमें और भी हम डीप जाए तो जस्टिस में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्सिप इक्वालिटी स्टेटस एंड स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी तो ये सारे जो जितने भी हम पॉइंट्स देख रहे हैं इसमें इसका ही जो है हम लोग डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं तो इसका जैसे हम देखें सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके जो प्रोविजंस हैं ये ऑलरेडी एम्बाइब किए हुए हैं ऑलरेडी इसमें डिपिक्टेड है दूसरा हम देखते हैं इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे जो वर्ड्स हैं इनको अभी हम एक एक करके की वर्ड्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस ट्वेंटी सिक्स डे ऑफ नवम्बर ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोटी नाइन जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है और इसको और ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी से इसको इसमें हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमारा जो एडॉपसन हुआ था इक्टमेंट हुआ था ये जो था ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोटी नाइन को था और इसका जो एनफोर्समेंट हुआ था वो ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइन्टीन फिफ्टी से किया गया था तो ये हमें ध्यान में रखना है अब हम इसको आगे चल के देखते हैं कि इससे क्या क्या इंटरप्रटेशन होती हैं तो इसके इंटरप्रटेशन है सबसे पहले सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसका पता लगता है वी द पीपल ऑफ इंडिया तो हम लोग जो पीपल है अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीपल है नेक्स्ट है हमारा सोवरेन सोवरेन मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट इट मीन्स दैट इट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट एंड दैट इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर यही सेम लाइन जो है चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने डिपिक्ट की थी सवेनिटी डिनोर्स सुप्रीम एंड अल्टीमेट पावर तो सुवेनिटी को हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है जब हमने हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया था तो थोड़ा सा मैं फिर से बता दे रहा हूँ सोवेंटी मीन्स होता है इंडिपेंडेंट फैसले लेने की आज़ादी जैसे हम लोग जो है पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक तरीके से डोमिनियन था इंडिया तो हम लोग उसके अंडर जो है फैसला लिया करते थे क्योंकि और हम उस पर डिपेंडेंट थे लेकिन अब क्या है हम लोगों ने सवनिटी पा ली है तो हम लोग आज़ाद हैं अपना फ्री एक्सटर्नल अफेयर को डिफ़ाइन करने के लिए अपने ओन अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो 1949 में इंडिया ने जो है कॉमनवेल्थ का कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया था जहाँ पे ब्रिटिश क्राउन जो है वो हेड थी तो ब्रिटिश क्राउन के हेड होने के बाद भी हम लोग जो है सोवरेन है इस, ये इससे हमारे सवर्निटी पे पैक्ट नहीं होता है दूसरा हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के भी मेम्बर हैं तो वहाँ से भी हमारी सवर्निटी जो है गवर्न नहीं होती है हमारा इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है सोवेंडरिटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोवेंड्रिटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट सोशलिस्ट वर्ड को फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा जो है ऐड किया गया था लेकिन इसके पहले भी सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी था तो बिफोर द टर्म वॉज एडेड बाय द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवनटी सिक्स द कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर्म ऑफ Certain directive principle of state policy. The term socialist used here refers to democratic socialism, that is, achievement of socialist goals through democratic, evolutionary, and non violent means. So, this question is what is democratic socialism? So, this answer is: democratic socialism is the achievement of socialist goals through democratic, evolutionary, and non violent means. It means that since वेल्थ इज जनरेटेड सोशली वेल्थ शुड बी सेड इक्वली बाय सोसाइटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नॉट कंसन इन हैंड्स ऑफ फ्यू, एड दैट द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इन तो सोशलिस्ट बेसिक बेसिकली ऐसे प्रिंसिपल है जिसमें सारे जो इक्वलिटी के जो प्रोविजन्स होते हैं इक्वलिटी के प्रिंसिपल होते हैं वो सारे जो है अप्लाई होते हैं तो सोशलिस्ट टाइप ऑफ कंट्रीज़ में सारे चीज़ें जो होती हैं वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं मतलब सारा का सारा जो है पब्लिक uh, सेक्टर ही होता है और वही सब जो है प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे हमारे में भी था जैसे कि uh, हम जानते हैं कि नेहरू जी ने जो है मिक्स्ड इकॉनमी अपनाया था सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन ही इंडिया में अपनाया गया था क्योंकि यही शायद उस टाइम पे रेलिवेंट था इसको भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर्स में तो इसमें दो केसेस डिसाइड हुए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे एक्सल वेयर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इसमें यह कहा गया सोशलिस्ट माइट इनेबल द कोर्ट टू लीन मोर इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन एंड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री तो जैसा कि मैंने कहा कि सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें क्या होता है नेशनलाइजेशन और स्टेट ओनरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है नेक्स्ट केस था डी एस नकारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिस्ट सोशलिज्म इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीजम लीनिंग हैवीली टूवर्ड्स गांधीन सोशलिज्म तो इंडिया में गांधीन सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है इसमें मार्क्सिज्म और गांधीजम दोनों का मिक्सचर है गांधीजम की जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी सोशलिज़्म तो थी वो भी वो भी यही चाहते थे कि एक ही जगह पे वेल्थ कंसंट्रेट ना हो और ये पूरे सोसाइटी में सब में इक्वली बटे लेकिन गांधी जी ज़्यादातर जो है बात करते थे विलेज को सेंट्रल इकॉनमी बनाने का मतलब तो तो बेसिक जो बनाना चाहते थे वो विलेज के विलेज को बनाना चाहते थे तो विलेज में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है तो एग्रीकल्चर इकोनमी से ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है लेकिन जो मार्क्सिज्म का कंसेप्ट है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेसिक बनाना चाहता था बनाया उसने तो इसीलिए जो है सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में वो गांधीन सोशलिज्म है क्योंकि बहुत सारे जो बहुत सारे जो ये जो चलते हैं प्रोग्राम्स चलते हैं वो सोशलिस्ट हैं जैसे कि स्कूल चलता है जहाँ पे सारे बच्चे जा सकते हैं गवर्नमेंट के फिर उसके बाद ये जो जितने भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो सब भी सोशलिस्ट का ही एग्जाम्पल हैं तो इंडिया में जो है गांधी सोशलिज्म है बेसिकली नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकुलर सेकुलर मीन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रिलीजियस ग्रुप्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ तो सेकुलर वर्ड एक तरीके से रिलीजन न्यूट्रल की बात करता है जहाँ पे रिलीजन न्यूट्रल रहे सेकुलर मतलब रिलीजन ना ना होना नहीं है सेकुलर मतलब सारे रिलीजन को इक्वल की तरह ट्रीट करना इट सेपरेट्स द पावर ऑफ द स्टेट एंड रिलीजन अच्छा और जो है हमारे मिडिवल हिस्ट्री में जो है एक और जो बहुत ही इम्पोटेंट राइटर हुए हैं या पॉलिटिकल थिंकर हुए जिन्होंने स्टेट को रिलीजन से अलग करने की बात की थी तो उनके बुक का नाम था द प्रिंस तो आप लोग बताइए कमेंट में कि किसके द्वारा लिखा गया है बाय द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ऑन दिसंबर एटीन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स द टर्म सेकुलर वॉज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल तो सेकुलर वर्ड फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया प्रियम्बल में लेकिन ये पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो हमारे सेकुलरिज्म को ही दिखाते हैं देर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलीजन दैट इज हिंदुजम बुद्धिज्म जैनिज्म सिखिजम क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर इक्वली रिस्पेक्टेड एंड मोर ओवर देर इज़ नो स्टेट रिलीजन ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया आर अलाउड टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज अडोप्ट बाई इंडिया अलेक्जेंडर ओविक्स हैज़ रिटर्न तो अलेगजेंडर ओविक्स ने क्या लिखा है इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट मीन्स इक्वल फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स ये जो है इन्होंने कहा है सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही सेम चीज़ें जो है एस आर भूमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में भी कहा गया था अरुणा राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एक केस और हुआ है जो सेकुलरिज्म पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है जिसमें इसमें यह कहा गया कि सेक्युलरिज्म हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग एंड इट मीन्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन तो डिफरेंट रिलीजनस को दूसरे रिलीजन के बारे को सम बारे में समझना और उनकी इज्जत करना यही जो है सेकुलरिज़म बताता है लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि दूसरे रिलीजन को लेकर भी जो है लोग इनटॉलरेंट होते जा रहे हैं तो हमें जो है इसको साइंटिफिक टेम्पर के साथ हमें समझना है कि रिलीजन का बेसिक क्या है या रिलीजन हमें ठीक चीज़ सिखाता भी है कि नहीं सिखाता है तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट बाय अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पॉपुलरली नोन एज वन पर्सन वन वोट तो ये लोग तो हम ही ये लोग ये चीज़ तो हम सभी जानते हैं कि वन पर्सन वन वोट सारे के सारे जितने भी वोट डाले जाते हैं उसमें सबकी वैल्यू इक्वल होती है ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी जो है पढ़े लिखे आदमी की वोट की वैल्यू ज़्यादा है और किसी इलिटरेट आदमी की जो है वोटिंग वैल्यू कम है तो इसमें ये एक वर्ड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 में आता है तो इसमें जो है डेमोक्रेसी में जैसे लिंकन का जो है एक फेमस कोट भी है डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड टू द पीपल तो उस उसमें क्या है कि सारे पीपल का ही योगदान होता है तो डेमोक्रेसी में जितने भी लोग होते हैं उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ना किसी तरीके से जो है पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है दिस representative फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सुटेबल फॉर गवर्निंग द कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज एंड diverse पॉपुलेशन तो डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके का होता है एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है जो कंट्री छोटी होती हैं जहाँ का पॉपुलेशन कम है वो लोग जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ईजीली फॉलो कर सकते हैं लेकिन हमारा कंट्री जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ की और बहुत ही जो है ह्यूज पॉपुलेशन है तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है पहले लोग जो है मिलके अपना इलेक्टेड इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं फिर वो लोग जाके संसद में अपना वोट देते हैं एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एटीन ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर एंड नॉट अदरवाइज वाइज बाई लॉ इज़ इन टू वोट 18 साल के ऊपर के लोग जो है वोट देते हैं तो ये केस है मोहनलाल त्रिपाठी वर्सेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें जो है डेमोक्रेसी को डिस्कस किया गया था और ये जो है पॉइंट इसमें बताया गया था जो कि क्रक्स है डेमोक्रेसी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, एन आइडियल विच इज प्रैक्टिस्ड बाय मेनी नेशंस दैट आर कल्चरली एडवांस एंड पॉलिटिकली मेच्योर वाई आर रिजोर्टिंग द गवर्नेस बाई रिप्रजेंटेटिव ऑफ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल फिलासफी का कंसेप्ट है एक आइडियलिस्ट स्टेट है जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली या इनडायरेक्टिवली चुनते हैं और अपना जो है भागीदारी इसमें निभाते हैं द व डेमोक्रेटिक रेफर्स नॉट ओनली टू पोलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात की गई है सोशल डेमोक्रेसी की बात की गई है और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कही है तो सोशल डेमोक्रेसी जो है एक तरीके से एक ये वाले प्रिंसिपल जो होते हैं लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के यही प्रिंसिपल जो है सोशल डेमोक्रेसी को बताते हैं अगर किसी कंट्री में सभी लोगों को लिबर्टी है सभी लोगों के पास इक्वलिटी है और सभी भाईचारे से रह रहे हैं फ्रेटर्निटी से तो वो सोशल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है या सोशल डेमोक्रेसी उसे माना जाता है और अगर सभी लोग इक्वल हैं और सभी लोगों की वोट की वैल्यू बराबर है तो वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का पार्ट बन जाती है तो सोशल डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का होना मुश्किल है इसी तरीके से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है जैसे कि हम देख रहे हैं कि सभी मेल uh, फीमेल को बिना डिस्क्रिमिनेशन के एक ही सैलरी दी जानी चाहिए तो ये भी एक तरीके का जो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है तो वर्ड डेमोक्रेटिक रेफर्स नॉट ओनली टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट आल्सो टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी द मेन रीजन टू इनकॉर्पोरेट डेमोक्रेसी इज टू प्रोवाइड फ्रीडम टू द पीपल टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव एंड टू सेव दम फ्रॉम टायरेंट रूलर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डेमोक्रेसी का अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद ही चूज करना और फ्रीडम के साथ जीना अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक इनर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट अ हेडेटरी मोनार्क तो दो तरीके के गवर्नमेंट हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं वैसे तो और भी कर सकते हैं जैसे कि मोनार्की है ओलिगार्की है एरिस्टोक्रेसी है ये सारे रिपब्लिक है ये सारे तरीके जो हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हो सकते हैं लेकिन रिपब्लिक को ज़्यादातर मोनार्की से जो है कंपेयर किया जाता है मोनार्की क्या होता है मोनार्की ये होता है जैसे हम लोग जानते हैं कि राजा का लड़का राजा होता है वैसे ही जो है किंग और क्वीन की, की जो है मोनार्की चलती आती है उनका जो वंशज है हेडिटरी है, है वही उसको बार बार किंग और क्वीन बनते रहते हैं जैसे कि ब्रिटेन में हमने देखा कि जो है अभी प्रिंस चार्ल्स जो है वो हेड हैं है ब्रिटेन के लेकिन जो है रिपब्लिकन में क्या होता है रिपब्लिक में जो है इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा प्रेसिडेंट जो हेड होता है वो उसको जो है इलेक्ट किया जाता है दिस वर्ड डोनेट्स अ गवर्नमेंट वेयर नो वन होल्ड्स पब्लिक पावर एज अ प्रोपरेटरी राइट मतलब ये किसी का अधिकार नहीं है जन्म सिद्ध की जो है वो हमेशा जो है हेड बना रहेगा इसमें क्या है डेमोक्रेसी में मतलब हमारे यहाँ इंडियन में इंडियन गवर्नमेंट जो है कैसे सेलेक्ट की जाती है इसमें प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव है इनडायरेक्टली इलेक्टेड उनके द्वारा जो है चेक जो है सेलेक्ट किया जाता है और इसके जो है एक तरीके का वोटिंग भी स्पेशल तरीके से होती है इसमें जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में एज अपोज टू अ मोनार्की इन विच द हेड ऑफ़ स्टेट इज अपॉइंटेड ऑन ऑनट्री बेसिस फॉर लाइफ और अनटिल एपडिकेसन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज एन एंटिटी इन विच हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्सड जैसा कि मैंने कहा दस इंडिया हैज अ प्रेसिडेंट हु हुज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड हैज अ फिक्सड टर्म ऑफ ऑफिस देर इज देर इज एन एबसेंस ऑफ अ प्रिवेलेज क्लास एंड ऑल पब्लिक ऑफिस आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कोई भी जो है इसमें प्रेसिडेंट बंद कर सकता है नेक्स्ट है हमारा जस्टिस जस्टिस स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ एबसेंस ऑफ आर्बिट्रेरिनेस एंड अ सिस्टम ऑफ इक्वल राइट्स फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इन अ सोसाइटी तो जस्टिस क्या होता है एक तरीके से जस्टिस मतलब न्याय होता है जहाँ पे कानून का राज हो और किसी भी तरीके की आर्बिट्रेरी एक्शन ना लिया जाए किसी के साथ भी गलत ना हो डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबके पास इक्वल राइट्स हो और सबके पास फ्रीडम हो अपॉर्चुनिटी हो सोसाइटी में तो ये जो है जस्टिस कहलाता है तो जस्टिस जो होता है तीन तरीके का होता है जैसे कि पियम्बल में बताया गया है सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल तो इंडिया सीक्स सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस टू इंश्योर इक्वेलिटी टू इट्स सिटीजन तो अब हम देखते हैं सोशल जस्टिस क्या होता है सोशल जस्टिस मीन्स द एब्सेंस ऑफ सोशली प्रिवेले क्लास सोसाइटी इन द एंड नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट क्रीड कलर रिलीजन जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया स्टैंड फॉर एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लाइटेशन फ्रॉम द सोसाइटी तो आर्टिकल फिफ्टीन जो है ये सोशल जस्टिस की बात करता है कि, कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए और सबको जो है इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए तो ये सोशल जस्टिस की बात करता है नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ मैन एंड अ वीमेन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम वेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेटस तो मैन और वीमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके इनकम के हिसाब से इट स्टैंड्स फॉर एक्टिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक इक्वालिटीज द एंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ़ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड द सिक्योरिंग ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल फॉर अर्निंग देयर लिविंग तो इकोनॉमिक जस्टिस जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ इकॉनमी जैसे किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसके साथ जो है फेवरे नहीं किया जाएगा मतलब गरीब और अमीर दोनों को इक्वलिटी के स्टेटस पे बनाए रखना है नेक्स्ट है हमारा पोलिटिकल जस्टिस पोलिटिकल जस्टिस मीन्स इक्वल फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल फॉर पार्टिसिपेशन इन द political प्रोसेस इट स्टैंड फॉर द ग्रांट ऑफ इक्वल पोलिटिकल राइट्स टू ऑल द पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पे इंडिया में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है और इलेक्शन फाइट कर सकता है फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी उसको दिया गया है कि आप अगर एक डेफिनेट एज से ऊपर हैं तो आप जो है लोकसभा राज्यसभा कहीं का भी जो है आप चुनाव लड़ सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ लिबरल डेमोक्रेसी इन विच ऑल द पीपल हैव द राइट एंड फ्रीडम टू पार्टिसिपेट तो यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस में फ्रीडम है सबको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की नेक्स्ट है हमारा लिबर्टी तो लिबर्टी का सिद्धांत जो है हमने फ्रांस से लिया है और ये ऊपर जो जस्टिस का सिद्धांत जो है ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया था आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल हैज़ बिन टेकन फ्राम द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ नाइनटीन सेवनटीन तो नाइनटीन सेवनटीन में जो रशिया का बोल्सविक रेवोल्यूशन हुआ था उसमें जो है वहाँ से इसको कंसेप्ट को लिया गया है और लिबर्टी जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है जो कि सेवनटीन एटी नाइन में हुआ था तो आइडिया ऑफ लिबर्टी रेफर्स्ट द फ्रीडम ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेशनल्स तो लिबर्टी मतलब आज़ादी एक तरीके से फ्रीडम को जो है इसको सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं दिस इस्टेब्लिशेज दैट देयर आर नो अन रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन सिटीजनस इन टर्म ऑफ वाट दे थिंक दे आर मैनर ऑफ़ एक्सप्रेशन एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थाट्स इन एक्शन हाउ ओवर लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनी थिंग एंड इन मस्ट बी एक्सरसाइड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स तो हमारा आर्टिकल नाइनटीन वन नाइनटीन जो है वो फ्रीडम की बात करता है लेकिन फ्रीडम के साथ साथ जो है एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन का भी आ, उसमें प्रोविज़न दिया गया है जिससे कि आ, लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर बना के रखें अपनी फ्रीडम के एक्सरसाइज़ करने के चक्कर में दूसरों का नुकसान ना कर दे। जैसे कि हमें जो है आज़ादी वहीं तक तो होनी चाहिए जहां तक दूसरे की नाक शुरू होती है ये किस राइटर ने कहा था ये आप लोग हम मुझे कमेंट में बताएंगे तो so नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी तो द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एबसेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडिकुएट अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तो इक्वालिटी मीन्स सबको बराबरी का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जब हम करेंगे तो so इक्वालिटी को जो हम डिटेल में पढ़ेंगे फिलहाल यहाँ पे यह है कि किसी के साथ भी जो है स्पेशल प्रिविलेज किसी को भी नहीं दिया जाएगा और सभी जो है सोसाइटी में समानता की तरफ बढ़ेंगे प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन ऑन इंडिया ऑफ इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी सिविक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी आर टाइप्स ऑफ इक्वालिटी तो ये तीन तरीके की इक्वलिटी में जो है डिवाइड किया गया है तो सिविक इक्वालिटी यानी सोशल इक्वालिटी मतलब Uh, क्या होता है कि आर्टिकल फिफ्टीन जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं होना और आर्टिकल 14 जो समाज में सोशली जो है uh, सभी एक दूसरे के इक्वल हैं ये uh, किसी भी तरीके का सोशल किसी को प्रिविलेज नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था कि ब्राह्मण को और क्षत्रिय को जो है हायर लेवल पे मानते थे तो उनको सोशल प्रिविलेज था लेकिन यहाँ पे क्या है आजकल जो है uh, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबको इक्वल बांधता है और सबको इक्वलिटी देता भी है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है आर्टिकल सिक्सटीन में अनटचबिलिटी की बात की गई है 17 में टाइटल की बात की गई है तो ये इस तरीके का सोशल इक्वलिटी यहीं से आता है नेक्स्ट है पोलिटिकल इक्वलिटी पोलिटिकल इक्वलिटी वो होता है जैसे जैसे कि ऊपर बताया है कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और दूसरा सभी के वोट जो है इक्वल हैं ऐसा नहीं है कि किसी के वोट की वैल्यू ज़्यादा है और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वालिटी के बेसिस पर ही कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है हमारा आर्टिकल थर्टी नाइन इस बात को बताता है इकोनॉमिक इक्वालिटी को कि मैन और वीमेन में इक्वल राइट टू पे है मतलब आ, मैन और वुमेन को जो है एक ही काम के अलग अलग पैसे नहीं मिलेंगे दोनों को बराबरी पैसे दिए जाएंगे तो इस तरीके से इकोनॉमिक इक्वलिटी यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी दिस रेफर्स टू ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहूड एंड देंस ऑफ बिलोंगिंग टू विद द कंट्री अमंग इट्स पीपल फ्रेटर्निटी मतलब बेसिकली भाईचारा होता है द प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैजू ए सीओर टू थिंग्स तो फ्रेटर्निटी में दो चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल का सम्मान एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेसन तो ये जो इंटेग्रिटी वर्ड है ये फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है इसका मतलब क्या होता है इंटेग्रिटी मतलब मतलब अखंडता द फ्रेज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेसन एम्ब्रेस बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ नेशन नेशनल इंटीग्रेशन तो एक तरीके से यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन जो है साइकोलॉजिकली भी हमारे दिमाग में जो है आता है कि इंडिया दैट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया दैट इज़ भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट ये हमारे यूनिटी और इंटीग्रिटी को डिफ़ाइन करता है कि इंडिया जो है ये बहुत बहुत सारे स्टेट्स का जो है यूनियन है तो ये यूनिटी को ही डिफ़ाइन करता है और इंटेग्रिटी को डिफ़ाइन करता है नेक्स्ट है अमेंडेबिलिटी तो अभी तक हम लोगों ने जो है ये पढ़ा ये देखा कि इसके इम्पॉर्टेंट मेन एस्पेक्ट्स क्या थे इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे पेम्बल के अब हम लोग जो है अमेंडेबिलिटी की तरफ देखते हैं कि इसको जो है कितनी बार अमेंड किया गया है और क्या अब अब भी इसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं आर्टिकल 368 के अंदर तो इसमें यह कहा गया है कि इन द बैरूबेरी केस एक बैरूवरी केस था उसमें जो है ये डिसाइड किया गया था उसमें ये अमेंडमेंट किया गया था द अमेंडेबिलिटी एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स एन इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग एंड कैप्टिवेटिंग क्वेश्चन वॉज रीज रिलेटिंग टू द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरिन कंट्री एज एन इंटरप्रिटेशन इन द ऑफ द आर्टिकल थ्री तो सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट एज गारंटेड इन आर्टिकल थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कवर सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरन टेरिटरी हेन्स इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन टेरिटरी ओनली बाई मीन्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट तो इस केस में क्या हुआ था कि ये कुछ एरिया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट बंगाल का कुछ एरिया वो एक्सचेंज करना चाहती थी बांग्लादेश से तो इसमें ये आया कि क्या इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया की पार्लियामेंट इसको जो है सीड कर सकती है क्या दूसरे कंट्री को इसको दे सकती है क्या क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि कौन कंट्री जो है इंडियन इंडिया की जो पार्लियामेंट है इंडिया की कंट्री जो है वो दूसरे के एरिया को ले तो सकती है लेकिन दे नहीं सकती तो ये स्टार्टिंग से ही था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन इस केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा मतलब गवर्नमेंट ने इसको कोशिश किया कि हम लोग एक्सचेंज कर लें कुछ टेरिटरी देकर कुछ टेरिटरी हम लोग यहाँ पे इंडिया में ले लें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको ले नहीं सकती है तो इसी के अगेंस्ट में नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1960 में और इसमें जो है ये अलाउ किया गया कि यहाँ गवर्नमेंट जो है कर सकती है इसमें चेंज कर सकती है तो बेसिकली पीम्बल से रिलेटेड ये कैसे था ये केस तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पीम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो हमें पढ़ने की ज़रूरत थी तो इस केस में डिसाइड किया गया कि पीम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है लेकिन आगे चल के जो है केशव नंदा भारती में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्डिक्ट को चेंज किया अपना और नया जो है अपना एक इंटरप्रिटेशन दिया जिसमें यह कहा गया कि प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ सब्जेक्ट टू द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एज आर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिस्ट्रॉयड तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर को जो है डिफाइन किया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट रहेंगे और जिनको गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट जो है चेंज नहीं कर सकती किसी भी हाल में तो इस केस में जो है केशवनंदा भारती केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको डिस्ट्रॉय जो है नहीं करना चाहिए इट हैज़ बिन क्लैरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट बींग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल कैन बी सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सरसाइज अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट तो आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अंदर जो है पार्लियामेंट uh, इसको अमेंड तो कर सकती है लेकिन इसके लिए एक uh, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है और यह भी इस पर कमेंट किया कि आर्टिकल थर्टी ये जो प्रियम्बल है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें जो है एक और केस हुआ था यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एल ऑफ इंडिया इसमें प्रियम्बल इज इस एन इंटेगरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये इस केस में डिसाइड किया गया था और इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सियबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इसका मतलब ये नॉन जस्टिसबल है हम इसके प्रोविजन्स को किसी भी कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं कर सकते तो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में क्या हुआ था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ही एक ऐसा अमेंडमेंट है जहां पर प्रियम्बल में एक्सचेंज मतलब चेंज लाया गया ऑल्टर किया गया पियम्बल हैज बिन अमेंडेड ओनली वंस सोफार ऑन एटीन दिसंबर से एमरजेंसी इन इंडिया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पोस्ट थ्रू सेवरल चेंजेस इन द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम एमरजेंसी का टाइम चल रहा था उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी ने जो है प्रियम्बल में कुछ चेंज किए बेसिकली वही वर्ड्स जो, जो जोड़े गए हैं सोशलिस्ट सेकुलर ये सारे वर्ड्स जो, जो जोड़े गए थे यही इसमें किया गया था अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह रिकमेंडेड दैट दिस अमेंडमेंट भी इनएक्टेड आफ्टर बींग कंसल्टेड टू स्टडी द क्वेश्चन ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो है इसको कमेटी बनाई गई उनके चेयरमैनशिप में रिकमेंड किया गया कि इसमें जो है अमेंडमेंट अगर करना भी है तो डिटेल स्टडी इसका करना चाहिए और हमें इसमें पास्ट एक्सपीरियंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पास्ट के जो डिबेट्स हो रखे हैं उनको भी कंसिडर करना चाहिए थ्रू दिस अमेंडमेंट दर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन द वर्ड्सरन एंड डेमोक्रेटिक एंड द वर्ड्स यूनिटी ऑफ द नेशन वर चेंज टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेसन तो इन वर्ड्स को जो है एड किया गया सोशलिस्ट सेकुलर ऐसा नहीं है कि इसके प्रोविजन्स पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे पहले से ही थे बस एक्सप्रेसली लिखे नहीं हुए थे प्रियम्बल में तो इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल तो अब हम देखते हैं प्रियम्बल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये इन लोगों ने जो है प्रियम्बल के लिए क्या क्या कहा है इसके लिए ये जानना जरूरी है तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे जो कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली के मेंबर थे इन्होंने प्रियम्बल को कहा है पियम्बल टू आर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग जो अब तक सोचा था वही प्रियम्बल में जो है एक्सप्रेस किया गया है के एम मुंशी जी क्या कहते हैं प्रियम्बल इज़ द हॉर्स्कोप ऑफ आर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो ये भी एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी का कि कौन से मेम्बर ने प्रेमबल के बारे में क्या क्या कहा है तो ये भी हमें जो है याद रखना चाहिए पंडित ठाकुरदास भार्गव इन्होंने क्या कहा इन्होंने बहुत ही बड़ा डेफिनेशन दिया और बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है इंटरप्रेट किया मतलब प्रेमबल कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इसके लिए बत जो है इन्होंने बताया है इट इज़ द मोस्ट प्रिसियस पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरीके का ज्वेल सेट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बहुत अच्छा जो है इसमें डेफिनेशन दिया है डेफिनेशन ने दिया मतलब सिग्निफिकेंस बताया है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है तो इसके साथ साथ हमें दो पॉइंट और इम्पॉर्टेंट हमें ध्यान में रखना चाहिए टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड इट इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर मतलब प्रियम्बल कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर का लेजिस्लेचर वहाँ से कोई पावर डिराइव नहीं करता है और ना ही लेजिस्लेचर को प्रियम्बल कोई पावर यूज करने से प्रोहिबिट करता है या रोकता है मतलब प्रियम्बल का एक इम्पॉर्टेंस है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के और ये एक तरीके से इंटरप्रटेशन में भी काम आता है सेकेंड पॉइंट है इट इज़ नॉट जस्टिसबल इट्स प्रोविज़न आर नॉट इन्फोर्सियबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ तो अगर इनके प्रोविजन्स में से पेम्बल के प्रोविज़न में से किसी को दिक्कत है तो ये जो है नॉन जस्टिसबल है वो कोर्ट में नहीं जा सकता नॉट इन्फोर्सिबल है तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो है प्रेम के तो ये था हमारा आज का लेक्चर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत थैंक यू